हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजश्रेष्ठी आरसी टेक। तो देखिए, आज हम आपको बताते हैं जो लेनोवो के जितने भी लैपटॉप होते हैं ऑलमोस्ट उनमें जो पासवर्ड लग जाता है तो उसको कैसे ब्रेक करें। ठीक है, तो ये हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में। कितना? 2 दिन? 3 दिन? 2-3 बार ऑन होता है, बंद होता है, तब डिस्प्ले आएगा। और देखिए यहाँ पे थिंकपैड, जिसका मॉडल है L440। तो देखिए इस तरह यहाँ पे पासवर्ड लग जाता है बायोस में, और बायोस हमारा ओपन नहीं हो सकता है, जिससे हमारा जो बूट सेटिंग है उसको ना ही हम जो है करेक्शन उसमें कर सकते हैं और ना ही सेट कर सकते हैं। और यदि आपका OS भी नहीं ओपन हो रहा है तब भी यहाँ पे हम कोई भी सेटिंग नहीं कर सकते। तो इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे पासवर्ड को, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया है, और BIOS पे इसको देखते हैं कैसे हम रिमूव करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे BIOS चिप निकाल ली है, और प्रोग्रामर की सहायता से यहाँ पे हम तो चलिए अब कुछ एक्टिविटी हम लैपटॉप पे करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखें हमने जो फाइल है वो यहाँ से उठाइए। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखें, आप जहाँ पे ये जो है लाइए सर, फाइल लाइए, ये फाइल चला, ये देखिए Lenovo L440 लॉक पैच डॉट बिन फाइल को हमने यहाँ पे कॉपियर के थ्रू हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया है। तो देखते हैं अब हमने यहाँ पे गूगल से डाउनलोड करके हमने जो पैच फाइल थी वो लॉक वाली, वहाँ से जो है उसको सेव करके प्रोग्रामर के थ्रू उसको कॉपी किया है इस चिप में। तो अब देखिए हमारे चिप लग चुका है, और अब इसमें यहाँ डिस्प्ले हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे DC मशीन से कनेक्ट कर रखा है। थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम होने के कारण हमने यहाँ पे DC मशीन इधर रख दी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी 7 एम्पीयर दिखा रहा है यहाँ पे DC मशीन पे। अब इसको ऑन करना होगा, एक बार दोबारा दोबारा फाइल फ्लैश करना। तो दोस्तों हम यहाँ पे ना दोबारा फाइल को फ्लैश करते हैं, तो आप देखें जो आपका यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया था, तो आप यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने कौन सी फाइल को यहाँ पे ओपन किया है। और ये देखिए, ठीक है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, और प्रोग्रामर की सहायता से यहाँ पे राइट कर दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट हो चुका है। तो
थोड़ा सा फाइल का इसमें रहता है दोस्तों, यदि आपकी फाइल गलत है तो वो नहीं उठाएगा उसको, और आपका जो डिस्प्ले है वो भी उससे भी प्रॉब्लम रहती है, और आपका जो पासवर्ड वाला रहा वो भी आपका ब्रेक नहीं होगा। तो सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखना चाहिए सॉफ्टवेयर में, तभी आपकी जो चिप राइट होगी और उसी के थ्रू आपका जो सक्सेस आपको मिल पाएगी। तो देखिए यहाँ पे 100% सक्सेसफुल हो चुका है, और हमने यहाँ पे चिप भी निकाल ली है, और अब देखिए इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं हॉट गन की सहायता से। दोस्तों इसमें हमें कई दिन लग चुके हैं इसमें सक्सेस होने में, क्योंकि ये फाइल हमें मिल नहीं पा रही थी, और जो बायोस वैसे हम डाउनलोड करते हैं उसको भी उसको ले नहीं पा रहा था। और इसमें इस केस में क्या होता है, 2-3 बार में हमारा डिस्प्ले का भी इशू हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पे एम्पियर देखिए और बीप भी कंटिन्यू आपका देखिए यहाँ पे आ रहा था। तो देखिए अब दोबारा ऑन हो करके बंद हुआ है, अब दोबारा ऑन होगा, क्योंकि लेनोवो का ये तो मेथड ही रहता है आपको 2-3 बार में ही डिस्प्ले आता है। अभी आप फैन पे देखें, फोकस करें, एम्पियर की बारी आती है, देखिए एम्पियर जैसे यहाँ से ज़्यादा आएगा तुरंत आपका डिस्प्ले आ चुका होगा। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं यहाँ फैन भी कंटिन्यू है और डिस्प्ले भी आपका आ जाएगा 110%। अभी 733 एम्पियर है डीसी मशीन में, देखिए ये आपका डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, और अब देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे ये कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए। हाँ, आप यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, और आप देखें कुछ एक्टिविटी यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिख रहा है उसको फॉलो करते रहे। और कोई भी जो पासवर्ड आपने वहाँ पे प्रेस किया था वही दोबारा डालना है, और देखिए स्पेस वन मोर, अब इसका ओल्ड फाइल बैकअप रिस्टोर कर देना। अब यहाँ पे इसका जो ओल्ड फाइल वाला जो बैकअप है अब उसको रिस्टोर कर देंगे। तो इसके लिए हमें फिर चिप को रिमूव करना पड़ेगा, बायोस चिप को, और प्रोग्रामर की सहायता से इसको जो ओल्ड वाली फाइल थी उसका भी आपको बैकअप लेना है। पहले हमने ब्लॉक फाइल उठाया था पैच उसका, और अब इसकी जो ओरिजिनल जो बैकअप वाली फाइल थी ओल्ड वाली, अब उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, राइट कर लेंगे। ये अब देखिए यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए आपके जो बैकअप जो ओल्ड वाली फाइल है, ठीक है, वो भी आपको सेव रखनी होगी। देखिए यहाँ पे ये भी सक्सेस हो चुका है, और यहाँ से हमने चिप भी निकाल लिए, रिमूव कर लिए, और अब फिर फिक्स कर देते हैं इसको। देखिए हमने फिर यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर दिया है, और देखिए फैन हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो डिस्प्ले वही मेथड है, 2-3 बार में आता है, और अभी यहाँ पे कंटिन्यू आपको
बीप सुनाई देगा रैम की। आप देखेंगे बिना पासवर्ड के उधर बायोस में चला जाएगा। और आप देखना यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा बगैर पासवर्ड के ही आपको बायोस यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। देखिए अभी 733 देखिए एम्पियर दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे अब डिस्प्ले देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए F1 प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका कॉइल सेटअप ओपन हो चुका है, यानी कि जो आपका पासवर्ड था वो ब्रेक हो चुका है। और आपने देखा इस वीडियो में कैसे हमने जो पुरानी फाइल थी उसको भी सेव रखा और दूसरे इंटरनेट से डाउनलोड किया, फिर प्रोग्रामर के थ्रू पहले उस पैच को हमने पासवर्ड को यहाँ से ब्रेक किया, फिर उसको लगाया, फिर उसको रिमूव किया और फिर इसकी जो ओल्ड फाइल थी फिर उसको सेम लगाया, तब जाके इतना प्रोसेस करने के बाद देखिए आपका ये जो पासवर्ड ब्रेक का है ये आपका जो बायोस लॉक था वो आपका रिमूव हो चुका है और सक्सेसफुली आपका बायोस भी ओपन हो चुका है। यदि इसमें भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो यदि दोस्तों अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।